देश भर के साथ एटा कासगंज लोकसभा सीट पर भी चुनाव दिलचस्प और कड़ा मुकाबलेदार और रोचक होने जा रहा है। इस सीट पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह बीजेपी से और सपा के पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव सपा बसपा के गठबंधन के दिग्गज प्रत्याशी है। ऐसे में चुनाव दिलचस्प और रौनक होना लाजिमी है। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वीओ आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने गठबंधन से एटा लोकसभा सीट से डॉ देवेंद्र सिंह यादव को उतारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल सिंह से दो दो हाथ अजमाते रहे हैं। आपको बता दें कि डॉ कुंवर देवेंद्र सिंह यादव 1999 और 2004 में भी एटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने थे। जाहिर तौर पर पुराने आंकड़ों पर गौर किया जाए तो लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह ने देवेंद्र यादव को कड़ी शिकस्त दी थी। उस चुनाव में कल्याण सिंह को 2,773 वोट मिले थे, जबकि देवेंद्र सिंह यादव वोट ही हासिल कर सके थे। लोकसभा चुनाव मैदान में बीजेपी कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह और सपा से देवेंद्र सिंह यादव के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें राजवीर को जबकि सपा के देवेंद्र सिंह यादव 273,977 वोट मिले थे। लेकिन इस बार का चुनाव गठबंधन से लड़ा जाना है, इसलिए देवेंद्र सिंह यादव राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही राजवीर सिंह हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में डिबाई सीट से गुड्डू पंडित ने कड़ी पटकनी देकर दो बार अपना कब्जा जमाया था। ये वही देवेंद्र सिंह यादव है जिन्होंने 2009 लोकसभा चुनाव में सपा का साथ तोड़कर बसपा सुप्रीमो भानु कुमारी मायावती का दामन थमा लिया।